सो हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कल से एक और आईपीओ ओपन होने जा रही है, तो कौन सी कंपनी की आईपीओ है, कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, साथ ही यहाँ पे जिस तरीके की कंपनी है वो पहली ऐसी कंपनी है जो कि आपको लिस्ट होने जा रही है, तो किस तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस मिलते हुए देखने को मिल सकती है। सो इन सभी पॉइंट्स के रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना पाए। इसी तरीके के रेगुलर इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम लोग जिस कंपनी के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में बात करें तो ईपी जो कि यहाँ पे बायो कंपोजिट लिमिटेड कंपनी की आईपीओ आई रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह कंपनी की आईपीओ कल से ही ओपन होने जा रही है, 29 अगस्त से ओपन होगी और 5 सितंबर इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट रखी गई है। बीच में आपको जो हॉलीडे है उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो टोटल ओवरऑल जो वीक है इस वीक में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यह कंपनी जो कि बायो कंपोजिट, जो कि नाम से ही लग रही है कि किस तरीके के सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, तो यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड इस ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। तो यहाँ पे ईपी कामत ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी आपको देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यह कंपनी 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ईपी जो कि यहाँ पे बायो कंपोजिट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है किस चीज़ की, तो यहाँ पे फाइबर जो कि रेन फोर्स्ड पॉलीमर्स होती है वो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। साथ ही साथ इस कंपनी के द्वारा जो डोर शटर होती है, फ्रेम्स होती है और बायो डिग्रेड्स की बात करें टैंक्स की वो कंपनी, और साथ ही बायो टॉयलेट्स एंड आपको अदर कई सारे जो प्रोडक्ट्स होती है कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल अप्लायंस या कंपनी के द्वारा बनाई जाती है जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो हाई जो कि पोटेंशियल सेक्टर है जो कि वेस्ट वाटर रिसाइकिलिंग के रिलेटेड देखा जाए 2021 के अकॉर्डिंग, तो जिस तरीके से यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चल रही है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की आने वाले समय में बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे कंपनी को फायदे होते हुए देखने को मिलेगा। तक कंपनी की बात करें तो फोकस करती है जो कि सैनिटाइजेशन सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है और इस कंपनी की एक्सेस जो की बात करें तो टॉयलेट हो गई एज वेल एज यह कंपनी के द्वारा जो फेस ट्रबल ट्रीटिंग होती है वो भी कंपनी के द्वारा मैनेज की जाती है, मैनेजिंग की जाती है वेस्ट, और यहाँ पे देखा जाए तो वेस्ट टैंक को भी मैनेज करती है कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो प्रोवाइड कराती है, जो कि सैनिटाइजेशन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। साथ ही ह्यूमन जो कि वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन कंपनी के द्वारा सर्विस और एनवायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनोवेशन और सिंपल बायो जो कि यहाँ पर देखा जाए टेक्नोलॉजी को यह कंपनी प्रोवाइड करा रही है। चूँकि इस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड देखा जाए तो इस कंपनी को लाइसेंस कहाँ से मिली हुई है, तो यहाँ पे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, साथ ही साथ इंडस्ट्री जो कि आपको यहाँ पे इंटरफेस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो कि ऑपरेटिंग अंडर काम करती है DRDO को इसके द्वारा इस कंपनी को यहाँ पे मिली हुई है। तो कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो कंपनी की अच्छे खासे बिजनेस जो कि इन फ्यूचर आते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे बायो कंपोजिट की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई मोर देन 2 लाख यहाँ पे हाउस होल्ड तक यहाँ पे जाने की 3000 सप्लाईज करती है, मोर देन यहाँ पे 2500 बायो टॉयलेट्स हाउस होल्ड को। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के रिलेटेड सप्लाई प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। साथ ही यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड बात करें हम लोग तो ओपन यहाँ पे डिफेक्शन जो कि चल रही है वो भी आपको यहाँ पे कंपनी को हेल्पफुल करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के रेवेन्यू आपको काफ़ी अच्छे खासे ग्रोथ कर रही है। कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, कंपनी के 2020 के फाइनेंशियल ईयर की डाटा देन यहाँ पे 2021 के और 2022 के फाइनेंशियल ईयर की डाटा दी गई, टोटल रुपीज़ इन लाख में दिया गया हुआ है। तो कंपनी के रिलेटेड एसेट की बात करें तो 55 लाख की एसेट थी, देन यहाँ पे 132 लाख की, देन यहाँ पे 927 लाख की कंपनी के एसेट देखने को मिली। तो कंपनी की एसेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देखने को मिली। साथ ही रेवेन्यू की बात करें तो 56 लाख की रेवेन्यू, देन यहाँ पे 295 लाख की रेवेन्यू, और इस फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 807 लाख की रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिली थी। रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छे जंप देखने को मिला है। साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.15 से बढ़कर 35 लाख, देन यहाँ पे 81 लाख की कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती हुई देखने को मिली। नेटवर्थ की बात करें तो अभी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, लगभग 3 लाख जो कंपनी के नेटवर्थ थी वो आपको बढ़कर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 200 लाख की यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव में थे, वो आपको बढ़कर 33 हुई, देन यहाँ पे 82 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रही। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छी
बैलेंस शीट आपको देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल इन फ्यूचर काफ़ी ग्रोथ और पोटेंशियल होल्ड करती है, जो कि आने वाले समय में इस कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। किस तरीके से कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पर अपने ग्रोथ को यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे मैनेज करके कंपनी रखी हुई है। कंपनी के रिलेटेड बात इंपॉर्टेंट फैक्टर की थी, यहाँ पर कंपनी के रिलेटेड बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने की, तो ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव जो दिख रही है लॉन्ग टर्म, यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पार्ट आपको रिप्लेमेंट करना चाहती है। साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। कंपनी के रिलेटेड डिटेल्स की बात करें तो यह कंपनी की जो आईपीओ ओपन होगी 29 अगस्त से ओपन होगी और 5 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट आपको रखी गई हुई है। कंपनी की बात करें तो 10 रुपीज़ कंपनी का फेस वैल्यू, 126 रुपीज़ कंपनी का शेयर प्राइस, 1 इक्विटी ऑफ शेयर का प्राइस 126 रुपीज़ रखा गया हुआ है और 1000 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। 6.35 करोड़ की टोटल इशू साइज होने वाली है और देखा जाए तो टोटल फ्रेश इशू होने वाला है। और इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो फिक्स प्राइस इशू होगी और BSE/SME पर कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। जो भी इशू साइज है इसमें 50% रिटेलर्स के लिए और 50% ही HNI के लिए रिजर्व रखा गया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी गई है कि यहाँ पे इवेंट आने वाले समय में इस कंपनी के रिलेटेड जो दिख रही है ईपी बायो कंपोजिट कंपनी के रिलेटेड, तो 29 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट, देन यहाँ पे 5 सितंबर क्लोजिंग डेट, 8 सितंबर अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला इसकी जानकारी मिलेगी, 9 सितंबर को यह कंपनी लिस्ट होते हुए आपको पैसे रिफंड होते हुए देखने को मिल जाएंगे, नहीं मिलने पर 12 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे यदि आपको अलॉटमेंट मिलते हैं तो, और साथ ही साथ 13 सितंबर को यह कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगी SME कंपनी। तो इसकी लिस्टिंग आपको BSE/SME पर यह कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर कंपनी की जो आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 ही लॉट, तो इसके लिए अमाउंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट है तो 1,26,000 होनी चाहिए और 1,000 जो कि इक्विटी ऑफ शेयर सेलेक्ट करना होगा। ओवरऑल कंपनी की जो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स, पहले 99% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो यहाँ पे अभी भी 70% के आसपास आपको रह जानी है। ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले क्योंकि प्रमोटर्स को यहाँ पे बिलीव है कि आने वाले समय में इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे ग्रोथ है, पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लोर की जा सकती है और कंपनी की आने वाले समय में अच्छे जो कि रिटर्न है वो यहाँ पे बनाई जा सकती है। इसी कारण से कंपनी के प्रमोटर्स जब ज़्यादा अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के रिलेटेड बात करें तो बिजनेस मॉडल कंपनी की अच्छी है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी अच्छी है, मार्केट कंडीशन सही होनी चाहिए, देन यहाँ पे लास्ट डेट को किसी भी कंडीशन में आपको अप्लाई करनी है तो लास्ट डेट को अप्लाई करनी चाहिए सब्सक्रिप्शन ग्रे मार्केट प्रीमियम, देन यहाँ पे इसमें मार्केट कंडीशन देख कर ही अप्लाई कीजिएगा क्योंकि अभी तक की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए नहीं देखने को मिला। ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट की जाएगी। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, कोई फर्दर डाउट करिए कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। सो मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाए।